राजभवन से सीधी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। आपको दिखाते हैं कि जिस वक्त का इंतजार था, कालीचरण सराफ जो है वो राजभवन पहुंचे हैं और राज्यपाल कलराज मिश्र उन्हें प्रोटेम स्पीकर पद के लिए शपथ दिलवाएंगे। यहां पर सीएम भजनलाल शर्मा, इसके साथ ही दोनों डिप्टी सीएम जो हैं वो मौजूद हैं। राजभवन से ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब तस्वीरों में देख पा रहे हैं राज्यपाल कलराज मिश्र, उनके दाई तरफ प्रदेश के नए मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा, दूसरी तरफ वासुदेव देवनानी और भाजपा के वरिष्ठ नेता कालीचरण सराफ जो हैं उन्हें प्रोटेम स्पीकर के लिए चुना गया है और साथ में तीन सदस्यों का भी पैनल जो है वो यहां पर बनाया गया है। सीएच उषा शर्मा भी इस शपथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अब ये वक्त जब कालीचरण सराफ शपथ ग्रहण कर रहे हैं प्रोटेम स्पीकर पद के लिए। आपको बता दें प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारियां जो है बेहद अहम होगी, क्योंकि जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो तमाम जो मंत्री होंगे उन्हें और तमाम जो विधायक जो कि मंत्री पद के लिए शपथ लेंगे उनको शपथ ग्रहण करवाने की जो जिम्मेदारी है वो प्रोटेम स्पीकर की होती है। साथ के साथ में प्रोटेम स्पीकर की एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है विधानसभा अध्यक्ष चुने की। हालांकि इस बार विधानसभा अध्यक्ष जो है वो पहले ही चुने जा चुके हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो यहाँ पर जिम्मेदारी होती है, जो भूमिका होती है महत्वपूर्ण, वो प्रोटेम स्पीकर की होती है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये शपथ ग्रहण की तस्वीरें हैं प्रोटेम स्पीकर की। कालीचरण सराफ जो कि भाजपा के सीनियर लीडर्स में से एक हैं, दिग्गज नेताओं में से एक हैं, मालवीय नगर से लगातार विधायक बनते रहे हैं और इस बार भी आठवीं बार उन्होंने अपनी जीत हासिल की है। संगठन में भी कई महत्वपूर्ण पद जो है वो संभाल चुके हैं और वसुंधरा राजे सरकार में चिकित्सा मंत्री भी रह चुके हैं, तो अपने आप में पूरे प्रदेश भर से सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं। मालवीय नगर से लगातार वो जीत हासिल करते रहे हैं और एक तरीके से कहा जाए तो उनके लिए उनका गढ़ रहा है और बीजेपी का गढ़ रहा है मालवीय नगर। तो ऐसे में प्रोटेम स्पीकर के पद के लिए सबसे वरिष्ठ नेता को, सबसे अनुभवी नेता को जो है चुना जाता है। कालीचरण सराफ को ये महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है वो मिली है और देखिए शपथ ग्रहण करके तमाम जो औपचारिकताएं हैं वो उन्होंने पूर्ण कर ली है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने उन्हें शपथ दिलाई है, सीएम भजनलाल शर्मा यहां पर मौजूद हैं, डिप्टी सीएम यहां पर मौजूद हैं, इसके साथ ही सीएस उषा शर्मा मौजूद हैं। महत्वपूर्ण तस्वीर और जी राजस्थान की टीवी स्क्रीन पर ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख पा रहे हैं। सीएम, दोनों ही डेप्यूटी सीएम इस खास कार्यक्रम शपथ ग्रहण में मौजूद हैं। विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने हैं कालीचरण सराफ और कई महत्वपूर्ण और अहम जिम्मेदारियां जो है, रोल्स जो है वो प्रोटेम स्पीकर के होते हैं और उनमें से सबसे जो मुख्य जिम्मेदारी है वो है तमाम विधायकों को जब वो मंत्री पद की शपथ लेंगे तो ऐसे में तमाम विधायकों को शपथ ग्रहण प्रोटेम स्पीकर ही करवाते हैं। भाजपा ने अपने सबसे वरिष्ठ और अनुभवी नेता को इस काम के लिए चुना है और शपथ ग्रहण ये कार्यक्रम ये संपूर्ण हुआ। तस्वीरें जो है वो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजभवन से, ये सीधी लाइव तस्वीरें हैं और राज्यपाल कलराज मिश्र जिन्होंने प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलवाई, ये औपचारिकताएं। साथ के साथ आपको बता दें कि प्रोटेम स्पीकर के साथ साथ में तीन सदस्य जो है उनके पैनल का भी गठन किया गया है। तीन सदस्य प्रोटेम स्पीकर के साथ साथ में चुने गए हैं। नियमों को देखा जाए तो जब तक जो विधानसभा अध्यक्ष है नहीं चुने जाते तब तक प्रोटेम स्पीकर की ही जिम्मेदारी रहती है सदन को सुचारू रूप से चलाने की। और हालांकि इस बार जो है विधानसभा अध्यक्ष पहले ही चुने जा चुके हैं वासुदेव देवनानी के रूप में, तो ऐसे में हालांकि औपचारिक तौर पर जो है वही शपथ दिलवाते हैं, वही चुनते हैं और साथ साथ में जो भी तमाम विधायक हैं उन्हें शपथ ग्रहण करवाते हैं प्रोटेम स्पीकर। विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने तक पूरा हाउस किस तरीके से सुचारू रूप से चले, पूरा जो सदन है विधानसभा सत्र जो है वो उन चलाने की जिम्मेदारी रहती है।
बेहद महत्वपूर्ण उनका रोल यहाँ पर, और देखिए तमाम औपचारिकताएं करते हुए यहाँ पर नजर आ रही हैं। प्रोटेम स्पीकर के साथ साथ में 3 सदस्यों के पैनल को भी यहाँ पर नियुक्त किया गया है। कालीचरण सराफ प्रोटेम स्पीकर और हमारे सहयोगी शशि बोन हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे और जानते हैं वहां पर क्या कुछ खास तस्वीरें हैं। शशि, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में जहां पर कालीचरण सराफ, जो कि भाजपा के अनुभवी नेताओं में से एक है, कई महत्वपूर्ण जो पद है वो निभा चुके हैं, जिम्मेदारियां निभा चुके हैं, और अब उन्हें प्रोटेम स्पीकर की ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, और क्या कुछ वहां से तस्वीरें? शशि मोहन, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? जी, आपकी आवाज मिल रही है, सवाल दोहराएंगे? जी बिल्कुल। शशि, हम राजभवन से लाइव तस्वीरें जो है देख पा रहे हैं, प्रोटेम स्पीकर ने शपथ ग्रहण किया है और उनके साथ साथ में 3 जो सदस्य हैं उनका भी गठन किया गया है पैनल का। क्या कुछ महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारियां होती हैं प्रोटेम स्पीकर की वो जरा बताइएगा, और क्या कुछ खास तस्वीरें वहां से? ये विधायक सबसे सीनियर मोस्ट विधायक हैं, 8 बार के विधायक, उनको राज्यपाल कलराज मिश्र ने अभी प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई है। प्रोटेम स्पीकर की भूमिका विधानसभा का सत्र जब शुरू होगा तो शुरुआती 2 से 3 दिन में पूर्ण रहेगी। जब तक विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता तब तक प्रोटेम स्पीकर ही व्यवस्था संभालेंगे और वो सभी विधायकों को सदस्यता की, सदन की सदस्यता की शपथ दिलाएंगे और ऐसे में उनके सहयोग के लिए 3 अन्य विधायकों का पैनल भी बनाया गया है, जिसमें दयाराम परमार, प्रताप सिंह टीवी और किरोड़ीलाल मीणा को शामिल किया गया है। इस पैनल के जरिए अगर कोई रोटेशन की, रिलीव करने की जरूरत पड़ती है, पैनल के साथ ही पर बैठेंगे और वो बाकी सदस्यों को लाने में सहयोग करेंगे। प्रोटेम स्पीकर के बाद में जब शपथ हो जाएगी सभी विधायकों की, उसके बाद में विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और उसके लिए बीजेपी की तरफ से वासुदेव देवनानी को नॉमिनेट किया जा चुका है। वो अभी मनोनीत स्पीकर की भूमिका में है। वासुदेव देवनानी की तरफ से नामांकन दाखिल किया जाएगा। अगर विपक्ष की तरफ से कोई प्रतिनिधि या कोई प्रत्याशी उतारा जाता है विधानसभा स्पीकर के लिए तो चुनाव होगा, मतदान होगा, लेकिन अगर कोई प्रत्याशी नहीं आता है तो सीधे तौर पर वासुदेव देवनानी को सर्वसम्मति से निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा और वे विधानसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे। तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में प्रोटेम स्पीकर की भूमिका होती है और यह प्रावधान इसलिए जरूरी है क्योंकि विधायकों की शपथ दिलाने के लिए चेयर पे कोई व्यक्ति होना चाहिए जो सदस्य हो सदन का। तो कालीचरण सराफ को अभी प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई गई है, साथ में विधायक की शपथ भी दिलाई गई है और वे प्रोटेम स्पीकर के रूप में काम करेंगे, सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। जी अंकुर, बिल्कुल बिल्कुल शशि, और इस वक्त हम जो तस्वीरें राजभवन से देख पा रहे हैं, कालीचरण सराफ यहां पर मौजूद है, सीएम की मौजूदगी हम यहां पर देख पा रहे हैं, और कौन कौन से यहां पर दिग्गज जो है वो मौजूद है? देखिए, राज्यपाल कलराज मिश्र और कालीचरण सराफ जो प्रोटेम स्पीकर है उनके बारे में आपने बताया, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बारे में बताया, आप उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को भी यहाँ पर देख पा रही हैं। हालांकि दिया कुमारी को भी यहाँ पर आना था लेकिन दिया कुमारी दिल्ली में किसी कार्यक्रम में व्यस्त हैं, वे दिल्ली से नहीं लौटे, केवल मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री और के साथ में राज्यपाल के जो प्रमुख शासन सचिव है और उनके जो परिवार हैं वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। बहुत संक्षिप्त कार्यक्रम रखा गया है इस जगह पर प्रोटेम स्पीकर की शपथ का और विधानसभा वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें जो हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, साथ के साथ हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी शशि मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रोटेम स्पीकर जो हैं उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर रहती है जब तक कि विधानसभा अध्यक्ष जो है वो पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल लेते, वो जो है यहाँ पर कुर्सी पर जब तक नहीं अपना कार्यभार ग्रहण कर लेते तब तक किस तरीके से सदन को सुचारू रूप से चलाना है ये जिम्मेदारी जो है वो प्रोटेम स्पीकर की यहाँ पर रहती है। साथ ही जैसा कि हमारे सहयोगी शशि ने हम तक जानकारी पहुँचाई है कि सीएम यहाँ पर मौजूद हैं और संक्षिप्त तौर पर ये कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। प्रेमचंद बैरवा जो है डिप्टी सीएम वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और गवर्नर
कलराज मिश्र ने ये शपथ दिलाई है। साथ में तीन विधायक जो है उनका पैनल भी चुना गया है जो कि यहाँ पर शपथ ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है शशिमान, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरों के लिए।